नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक और करंट अफेयर का टॉपिक, जिसमें 16 जून 2023 का जो करंट अफेयर दोस्तों वो यहाँ पे होने वाला है। तो 11 क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण है, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों क्या 11 जून 2023 का है करंट अफेयर, उसको 16 जून, सॉरी दोस्तों 16 जून 2023 का जो करंट अफेयर, उसको यहाँ पे पढ़ने के लिए हम बात करने वाले हैं। तो यदि आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, विजन लेट्स क्रैक यूपीएससी के नाम से दोस्तों टेलीग्राम चैनल है। साथ ही दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो नवीनतम अपडेट के लिए। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आपको वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में दोस्तों उसमें भी आपको इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो 16 जून 2023 का करंट अफेयर पढ़ने के लिए दोस्तों मोटिवेशन लाइन के साथ इसको स्टार्ट करते हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन जी की एक महत्वपूर्ण रचना है, जिनमें उनके द्वारा कहा गया है कि हम लक्ष्य की ओर, लक्ष्य से डरे नहीं, निरंतर लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। और अगर हम लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहे तो निश्चित ही हमें सफलता जरूर मिलेगी, और हम अपनी मेहनत के दम पर अपनी सफलता अर्जित कर ही लेंगे दोस्तों। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची 2023 में प्रथम स्थान, या बोल सकते हैं शीर्ष स्थान पर, प्रथम स्थान या शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो बात करते हैं ऑप्शन अडानी इंडिया, रिलायंस इंडिया, जेपी मॉर्गन और टाटा समूह। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या है, जेपी मॉर्गन यहाँ पे राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि ये यूएसए की कंपनी है, जेपी मॉर्गन जी की यूएसए की कंपनी है, जिन्होंने 3.7 ट्रिलियन डॉलर जो दोस्तों यहाँ पे कमाई की है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी लिस्ट थी, फोर्ब्स ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची, विश्व की जो जो भी कंपनी है उनकी सूची थी ये दोस्तों, जिनमें जेपी मॉर्गन जो कंपनी थी उनकी कंपनी थी यहाँ पे, ये शीर्ष स्थान पर रहती है इस सूची के अकॉर्डिंग। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण है, यहाँ पे स्टार्क लगा सकते हो कि हाल ही में जारी फोर्ब्स ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा। तो जेपी मॉर्गन जो है दोस्तों यूएसए की कंपनी है, उनके द्वारा यहाँ पे शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में अशोक चक्र विजेता हवलदार एलबी डी क्रूज का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है? हाल ही में अशोक चक्र विजेता हवलदार एलबी डी क्रूज का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है? बात करते हैं राजस्थान, गुजरात, मेघालय और केरल। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर केरल होता है, कि हवलदार यहाँ पे हवलदार एलबी डी क्रूज की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे एलबी डी क्रूज का संबंध दोस्तों यहाँ पे केरल से रहा है, जो दोस्तों यहाँ पे क्या है, अशोक चक्र, दोस्तों अशोक चक्र से क्या है सम्मानित, ये अशोक चक्र से सम्मानित है। तो ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन व्यक्तिगत से संबंधित, व्यक्तिगत पर्सनैलिटी से संबंधित दोस्तों पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन। तो इसमें ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अशोक चक्र विजेता डॉक्टर हवलदार एलबी सिंह डी क्रूज का निधन हो गया, इनका संबंध केरल राज्य से था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हाल ही में विश्व का कौन सा देश जो क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है, मतलब विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो क्रूड ऑयल, क्रूड स्टील दोस्तों, क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है? तो ऑप्शन देखते हैं, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों क्या है, भारत दूसरे स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि पहले स्थान पर कौन है, तो फर्स्ट स्थान पर ही बात करते हैं, यहाँ पे चीन का स्थान क्या है, फर्स्ट चीन दोस्तों यहाँ पे क्रूड स्टील उत्पादन में चीन क्या है, पहले स्थान पर है इसमें क्रूड स्टील के उत्पादन में, जबकि सेकंड स्थान किसका आता है, भारत का। हाल ही में विश्व का कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना, तो भारत यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे स्टार्क लगाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का सम्मेलन आयोजित होगा? तो ये कहाँ पे आयोजित होगा और कब आयोजित होगा, ये दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि भारत के किस राज्य में, भारत के राज्य में होने वाला है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का सम्मेलन कहाँ पे होगा, भारत के कौन से राज्य में होगा? तो बात कर रहे हैं भारत की जो दोस्तों यहाँ पे गुजरात, केरल, ओडिशा और तमिलनाडु। तो यहाँ पे दोस्तों केरल राज्य में होने वाला है, और केरल के भी दोस्तों यहाँ पे कोच्चि में
केरल के भी दोस्तों यहाँ पे कोची में यहाँ पे क्या होने वाला है, ये इसका सम्मेलन होने वाला है किसका, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का, तो यहाँ पे ये होने वाला है। और कब होगा ये, वर्ष 2025 में इसका क्या होने वाला है, आयोजन होने वाला है वर्ष 2025 में दोस्तों इसका आयोजन होता है। और केरल के दोस्तों यहाँ पे क्या, कहाँ पे होगा, केरल के कोच्चि में इसका आयोजन होगा। और ये दोस्तों वार्षिक सम्मेलन होता है जिसका आयोजन होता है यहाँ पे, और 2025 में इसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो केरल के कोच्चि में इसका आयोजन होता है। इसका गठन दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का गठन कब हुआ था, 1930 में इसका गठन होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका क्या है, मुख्यालय है किसका, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का दोस्तों यहाँ पे ब्रुसेल्स में मुख्यालय है, 1930 में गठन होता है। इसके वार्षिक सम्मेलन होते हैं, तो 2025 का जो सम्मेलन होता है केरल के दोस्तों कोच्चि में आयोजित होगा। तो ये दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार्क लगा सकते हो कि ऐसे सम्मेलन से संबंधित या कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आता है वो इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट में बात करते हो, हाल ही में किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को 30% निवेशक बनाने का लक्ष्य रखा है, मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसमें 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि प्रमुख फर्मों में महिलाओं को 30% निवेशक बनाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन देखते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और दक्षिणी अफ्रीका, तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों जापान होने वाला है, कि जापान ने 30% दोस्तों यहाँ पे निवेशक के रूप में, 30% निवेशक के रूप में यहाँ पे महिलाओं को क्या किया गया, शामिल किया गया, 30% निवेशक के रूप में महिलाओं को यहाँ पे शामिल किया गया, जापान देश के द्वारा ये पहल शुरू की गई, जिसमें 2030 का यहाँ पे लक्ष्य, 2030 का क्या कर गया, लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हाल ही में कौन सा, भारत का कौन सा राज्य जिसे इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, भारत का जो कौन सा राज्य है जिसे इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है दोस्तों, तो बात करते हैं केरल, मध्य प्रदेश, असम और तेलंगाना, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे दोस्तों, तेलंगाना इसका राइट आंसर होने वाला है, कि तेलंगाना को इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड वितरण कौन करता है, यहाँ पे देखते हैं कि द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये क्या किया जाता है, ये द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन जो है एक संस्थान है उसके द्वारा ये इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया, जो किसको दिया गया, भारत की जो जो तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना राज्य को यहाँ पे ये अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम छपने वाले क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसे ग्रीन इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो बात करते हैं तेलंगाना राज्य है। और कौन अवार्ड वितरण कौन करता है, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और भारत का ये पहला राज्य है जिसे ये इस प्रकार का ये अवार्ड मिला, कौन सा, ग्रीन इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड, मतलब भारत का पहला राज्य कौन सा है, तेलंगाना, जिसे ये अवार्ड मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में कोमोडो बहुपक्षीय नौसैनिक दोस्तों, यहाँ नौसैनिक मतलब नेवी का, यहाँ पे नेवी का अभ्यास है, यहाँ पे युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ है, तो बात करते हैं कोमोडो जो युद्धाभ्यास है हाल ही में आयोजित हुआ है, तो यहाँ पे देखते बात करते हैं कि भारत के साथ इसमें कौन शामिल था, तो अमेरिका, ईरान, इंडोनेशिया और जापान, तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों क्या है, सी अर्थात इंडोनेशिया दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है, कि इंडोनेशिया के द्वारा यहाँ पे कोमोडो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे होता है, इंडोनेशिया के ही मक्कासर जो द्वीप है, मक्कासर जो द्वीप है इसमें इसका आयोजन होता है, किसका, कोमोडो का आयोजन कहाँ पे होता है, जो दोस्तों बात करते हैं कोमोडो का आयोजन क्या होता है, इंडोनेशिया की मक्कासर द्वीप में हो जाता है। और भारत की ओर से यहाँ पे INS, भारत की ओर से यहाँ पे कौन शामिल होता है, INS सतपुड़ा दोस्तों, INS जो सतपुड़ा जहाज है क्या है दोस्तों, यहाँ पे शामिल होता है INS सतपुड़ा, यहाँ पे शामिल होता है इंडोनेशिया और किसके मध्य, भारत के मध्य ये आयोजित होता है, इंडोनेशिया और भारत के मध्य इसका आयोजन होता है, जो कि किसका है दोस्तों यहाँ पे युद्धाभ्यास, नेवी का ये युद्धाभ्यास है। तो एग्जाम में ये छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कोमोडो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किन किन देशों के मध्य हुआ था, भारत और इंडोनेशिया दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, कोमोडो बहुपक्षीय युद्धाभ्यास किसके द्वारा किया गया, तो स्टार्ट किया गया, तो बोल सकते हैं नेवी का ये अभ्यास था। और साथ ही इसमें भारत की ओर, भारत की तरफ से कौन से जहाज ने यहाँ पे शामिल हुआ, तो बात करते हैं INS सतपुड़ा यहाँ पे शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आयोजन देख लेते हैं, तो मक्कासर द्वीप में ही इसका आयोजन होता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में CM वन टाइम
सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया गया है, मतलब कौन से जो क्षेत्र है या राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, दोस्तों यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में ये दोस्तों की कौन सी सीएम वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया गया है। तो बात करते हैं राजस्थान, केरल, नई दिल्ली और गुजरात। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, नई दिल्ली में यहाँ पे सीएम वन टाइम सेटलमेंट सेटलमेंट स्कीम की यहाँ पे दोस्तों क्या की गई, शुरुआत की गई, जिसका अनावरण नई दिल्ली में किया गया। मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली के, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल क्या है दिल्ली के, यहाँ पे दोस्तों क्या है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वर्तमान में मुख्यमंत्री। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में भारत के किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया, भारत के किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया। तो बात करते हैं एग्जाम में पॉइंट ऑफ से एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में जो महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम किसी का भी हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, या स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन महोत्सव से संबंधित पूछे जाते हैं, जो हमारी क्या आता है कला संस्कृति को, यहाँ पे कला एंड संस्कृति को यहाँ पे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे रज महोत्सव की बात हो रही है, रज महोत्सव का आयोजन कहाँ मनाया गया, मतलब बिहार, ऑप्शन देखते हैं, बिहार, गुजरात, उड़ीसा और मेघालय। तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों उड़ीसा इसका राइट आंसर होने वाला है, कि उड़ीसा में क्या मनाया गया, रज महोत्सव। रज महोत्सव क्या है, उड़ीसा में मनाया गया दोस्तों। और ये बात कर लेते हैं ये रज महोत्सव का दोस्तों, यहाँ पे कृषि महोत्सव, जो कृषि महोत्सव है, या बोल सकते हैं जब वर्षा होती है, वर्षा जब प्रारंभ होती है, वर्षा प्रारंभ होती है तो उससे पूर्व ये क्या है, रज महोत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पे उड़ीसा में ये रज महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो हाल ही में आयोजित अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ, बात करते हैं कि अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में हुआ। तो बात करते हैं अमेरिका, चीन, जापान और कोलंबिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है, कोलंबिया इसका राइट आंसर होने वाला है, कि कोलंबिया में दोस्तों अंडर 18 विश्व वर्ल्ड दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की बात हो रही है, वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की बात हो रही है। तो यहाँ पे कहाँ पे होता है, कोलंबिया में उसका होता है। और भारत की ओर से यहाँ पे कौन शामिल होता है, अदिति गोपीचंद, यहाँ पे क्या होती है, अदिति गोपीचंद यहाँ पे इसमें शामिल होती है, जिसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड जो दोस्तों विश्व रिकॉर्ड को यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड को यहाँ पे तोड़ दिया इन्होंने, विश्व रिकॉर्ड तोड़ कर क्या कर दिया, एक इतिहास ही रच दिया दोस्तों इसमें अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप में। तो बात करते हैं भारतीय जो तीरंदाज जो शामिल हुआ इसमें कौन सी थी, अदिति गोपीचंद इसमें शामिल थी। विश्व रिकॉर्ड यहाँ पे इन्होंने क्या किया, विश्व रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास एक नया रच दिया, जिसमें दोस्तों विश्व रिकॉर्ड क्या था, 711 पॉइंट थे 720 में से, 720 में से 711 पॉइंट विश्व रिकॉर्ड था, लेकिन इन्होंने दोस्तों यहाँ पे 720 अंक में से 720 अंक प्राप्त करके यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड यहाँ पे कायम किया है। तो ये भारत की ओर से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया, भारतीय जो तीरंदाज है उसने विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर यहाँ पे एक नया इतिहास रच दिया, किसके द्वारा, अदिति गोपीचंद के द्वारा। कौन सी प्रतियोगिता थी, अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप दोस्तों, जिसका आयोजन कहाँ पे होता है, कोलंबिया में इसका आयोजन होता है। मतलब एग्जाम में तो दोस्तों ये छपने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार्क लगाइए, क्योंकि सितारों वाली क्लास है तो स्टार्क तो लगना बनता ही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया, 3 दिवसीय मतलब 3 दिन आयोजन होता है शिक्षा महाकुंभ का आयोजन। तो ऑप्शन देखते हैं, गुजरात, केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे दोस्तों, पंजाब इसका राइट आंसर होने वाला है। और पंजाब के भी दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे, जलंधर में, पंजाब के जलंधर में इसका क्या होता है, आयोजन, आयोजन कहाँ पे होता है, पंजाब के जलंधर में इसका आयोजन होता है, किसका, शिक्षा शिक्षा महाकुंभ का क्या होता है दोस्तों यहाँ पे आयोजन होता है, कहाँ पे, पंजाब के जलंधर में। और कितने दिन होगा दोस्तों यहाँ पे, 3 दिवसीय ये आयोजन होने वाला है। तो यहाँ पे बात करते हैं पंजाब के जलंधर में इसका आयोजन होगा। और दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण है कि शिक्षा महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो पंजाब में किया गया, और ये दोस्तों पंजाब के भी जलंधर में इसका आयोजन किया गया।
तो दोस्तों 11 क्वेश्चन थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यदि आप क्लास की पीडीएफ चाहिए तो विजन लैक्स यूपीएससी के नाम से टेलीग्राम चैनल दिया गया है दोस्तों, वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम का चैनल लिंक मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। साथ ही दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस क्लास को डाउनलोड कर सकते हो, तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों यदि यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बनता है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे, और साथ ही बेल आइकन को दोस्तों दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। रेगुलर हमारी यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू एकदम महत्वपूर्ण है। सभी क्लासेस और सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी तैयारी को बेहतरीन करने और दोस्तों यहाँ पे तैयारी में चार चांद लगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नई वीडियो में नए करंट अफेयर के टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। यदि चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि हर एक वीडियो जब भी अपलोड हो दोस्तों तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से मिल जाए और आपकी तैयारी को बेहतरीन करने का एक और मौका आपको मिले दोस्तों। तो चलते हैं नई वीडियो में, नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।